हाय फ्रेंड्स, दिस इज विक्के मिश्रा। आप देख रहे हैं विक्के 24H मिश्रा। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं स्क्वायर रूट तो आसानी से बना लेते हैं, जैसे मतलब कैसे रूट 9 का वैल्यू कितना होता है, रूट 16 का वैल्यू कितना होता है, रूट 25 का वैल्यू कितना होता है, रूट 36 का वैल्यू कितना होता है, ये आसानी से हम लोग जान लेते हैं। लेकिन आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से कुछ ऐसा सीखने वाले हैं कि जो परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है उसको हम लोग कैसे आसानी से पता कर लेंगे, और वो भी विद इन 5 से 10 सेकेंड में हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। पहले के तो एक दो क्वेश्चन जो हमने बनाया उसमें सवाल थोड़ा सा टाइम टेकन है, लेकिन उसके बाद जो है वर्बली बिल्कुल जुबान पर देखते देखते जैसे कैसे रूट 9 को बता सकते हैं कि 3 होगा, रूट 16 को बता सकते हैं कि कितना होगा, 4 होगा, वैसे ही हम देख करके किसी भी संख्या को, चाहे वो बड़ा संख्या हो, 2 डिजिट में हो, 3 डिजिट में हो, 5 डिजिट, फर्क नहीं पड़ता है, वो कितना भी डिजिट में हो बिल्कुल आसानी से हम लोग उसको पता कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को हम लोग चालू करते हैं। और अब तक के लिए आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले वीडियो को, ताकि उसको कोई भी वीडियो डालो तो उसका नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिले। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबों का एक नए वीडियो के साथ। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं नॉन परफेक्ट संख्याएं, नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट क्या होता है, अपूर्ण वर्ग संख्या क्या होता है, इसी के बारे में जानेंगे हम लोग कि कैसे इसको आसानी से हल कर लेंगे। तो इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ताकि हमको पता चले कि वीडियो आपको पसंद आया है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इससे बेटर से बेटर ट्रिक, जब भी हम कोई भी मैथ का ट्रिक या किसी भी सब्जेक्ट का ट्रिक वाला या किसी भी प्रकार के किसी भी सब्जेक्ट पे किसी भी मुद्दे पे अगर वीडियो बनाओ तो उसका नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को हम शुरू करते हैं कि ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग ये जान लेते हैं कि ये परफेक्ट रूट क्या होता है। तो देख लीजिए, जैसे कि यहाँ पे बोला है रूट 9 है, तो रूट 9 के लिए तो हम स्पष्ट बोल सकते हैं ना कि 3 होगा। क्यों 3 होगा? क्योंकि हम रूट के अंदर जो है 9 को हम 3 × 3 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं बिल्कुल। तो जब ये डबल पेयर बनता है तो बाहर एक तो एक निकल ही जाएगा ना, रूट से बाहर निकलता है तो क्या निकलता है, एक बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ पे कितना 3 निकल गया। वैसे ही अगर रूट 16 को बात करें तो इसका कितना निकलेगा, 4 निकलेगा, निकल जाएगा ना। और रूट 25 की बात करें तो ये भी कितना निकल जाएगा, 5 निकलेगा, ऑफकोर्स 5 निकल जाएगा। वैसे ही अगर बात करें यहाँ पे रूट 60 को, 36 की, तो ये कितना निकलेगा, 6 का निकलेगा। तो ये परफेक्ट हुआ। ठीक है, हम बात कर रहे हैं कि नॉन परफेक्ट क्या है और इसको कैसे हम लोग इजिली फाइंड करेंगे। तो ज़रा गौर से देखना आप इसको, रूट 8 को, रूट 8 क्या ये परफेक्ट है, परफेक्ट नहीं है ना। अब इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए एक फार्मूला है, छोटा सा ही है, बस आप लोग इस फार्मूला को ध्यान में रखिएगा तो बन जाएगा, बिल्कुल नॉर्मल है। यहाँ पे होता है एक्स प्लस माइनस वाई इक्वल टू होता है रूट एक्स प्लस माइनस वाई बटा में 2√x होता है। ठीक है, फार्मूला कोई बड़ा नहीं है, बिल्कुल छोटा सा फार्मूला है, थोड़ा सा ध्यान देने की बात है। ठीक है, अब चलिए इस फार्मूला पे ये प्लस माइनस का क्या रोल है, यहाँ पर भी प्लस माइनस लगा है, यहाँ पर भी प्लस माइनस लगा है, तो मतलब हम 8 को अगर यहाँ पे सॉल्व करें तो 8 को क्या लिख सकते हैं, ये एक्स जो है नियर अबाउट परफेक्ट लिखना है। एक्स को हमको किस में लिखना है, नियर अबाउट, मतलब देखना ये है कि परफेक्ट, जैसे यहाँ पे 8 है तो इसका कम वाला वर्ग क्या है, 4 है, और 9 भी है, तो 4 में क्या करेंगे, जोड़ेंगे तब ना 8 होगा, और 9 में से 1 घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर प्लस वाला लेना होगा तो 4 + 4 करना होगा, अगर हम क्या लेते हैं 9 लेते हैं तो 9 में से 1 माइनस करेंगे तब जाके 8 होगा। तो प्लस माइनस का समझ गए ना कि प्लस माइनस का क्या मतलब है। तो इसी मेथड पर इसको हम ब्रेक करते हैं किस में, एक्स और वाई के रूप में, किस पे, नियर अबाउट में हमको 9 दिख रहा है क्योंकि 4 से भी बनेंगे तो बनेगा, लेकिन नियर अबाउट में कौन है, 9 है 8 के नज़दीक में, तो इसको परफेक्ट ले लिया और इसमें से माइनस को 1 कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 8 होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अब यहाँ पे क्या करना है हमको, यहाँ पे रूट एक्स लिखना है, एक्स हमारा पहले वाला है, वाई हमारा बाद वाला है, तो एक्स की जगह पे हम क्या लिख दिए, यहाँ पे 9 लिख दिए, और प्लस नहीं ना लिखेंगे, माइनस लिखेंगे, क्योंकि ये साइन जो है वही यहाँ पर भी रहेगा, देख लीजिए माइनस दे दिए, फिर से वाई, वाई कितना है 1 है हमारा, उसके बाद कितना है 2 है, और यहाँ पर कितना लिख दिए रूट का 9 लिखती है। एक क्वेश्चन को हम थोड़ा सा स्लो इसलिए करेंगे
कि समझ में आए मैटर, उसके बाद हम इसको लगभग लगभग सेकंड में, लगभग 5 से 6 सेकंड में इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो पहले हम मैटर को समझ लेते कि एग्जैक्ट मैटर क्या है। चलिए, तो यहाँ पे जैसे कि हमने बना रखा है, देखिए यहाँ पे रूट नाइन के लिए हम क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, माइनस के लिख सकते हैं और 1 लिख सकते हैं। और ये देख लीजिए, रूट नाइन के लिए तो 3 दोनों का कितना होगा, 6 होगा। अब 6 से जब इसमें भाग लगाएंगे तो कितने ओवर में जाएगा, ये तो 3 ही है ना, 3 को ऐसे रहने दीजिए। अब ये कितना हो जाएगा, 6 × 3 = 18 में से 1 जाएगा 17 होगा ना, 17/6 होगा, बटा के जोड़ करेंगे 6 × 3 = 18 में से 1 जाएगा 17/6। अब इसको भाग लगा के यहाँ पे जो भी आएगा उसको लिख देना है, 17 के भागा में कितना जाएगा, 6 से करेंगे तो ये कितना जाएगा, 6 × 12 = 12 यहाँ पे लिख दिए, 5 फिर से यहाँ पे दशमलव दे देंगे और 0 यहाँ पे, फिर से कितने बार में जाएगा, 8 बार में जाएगा, 48 और कितना कैरी कर रहा है, 2 कर रहा है, फिर से 0 दे देंगे, कितना जाएगा, 3 जाएगा। और हम लोगों को कितना लिखना है, लगभग में कितना तक लिख सकते हैं, दशमलव के बाद 1 अंक ही वैलिड होता है, तो इसके लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देख लीजिए यही है, तो कितना लिख सकते हैं, 2.83 भी लिख सकते हैं और यही होगा हमारा रूट 8 का आंसर। ठीक है, नॉन परफेक्ट का है। अब चलिए थोड़ा सा फास्ट और आसानी से कैसे फाइंड करेंगे, तो चलिए यहाँ पे क्या ले लेते हैं, रूट 11 ले लेते हैं। रूट 11 का मान क्या होगा ये ज़रा हम लोग देख लेते हैं, ये भी तो नॉन परफेक्ट है ना, तो नॉन परफेक्ट है। अब एक बार प्लस माइनस वाला पे, फिर से इसको माइनस वाला पे देखिए, 9 में 2 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, या 16 में से 5 को माइनस कर लेंगे फिर भी कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, नियर अबाउट हमको क्या दिख रहा है, 9 दिख रहा है, तो 9 पे ही लेके चलेंगे इसको, तो क्या लिखेंगे इसको, 9 और माइनस का कितना, सॉरी प्लस का कितना, 2, 9 और प्लस करेंगे 2 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। अब 9 के लिए हम लोग जानते हैं, तो देखिए फार्मूला के अनुसार 9 के लिए क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। अब ये सब फार्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं है, जब ये प्लस है तो यहाँ पर भी क्या होगा, प्लस होगा 2 और बट्टा में कितना, ये दोनों का दोगुना, मतलब 3 × 2 = कितना, 6, ये कट गया, कितना हो गया, 3 हो गया, 3 हुआ ना, तो ये दशमलव के बाद कितना होगा, दशमलव के बाद ये होगा 3.333। कैलकुलेशन करके देख लेना, बिल्कुल यही होगा। ठीक है, चलिए एक बड़ा संख्या उठाते हैं, अगर हमको मान के चलिए कि कितना, 47 का स्क्वायर रूट निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, 47 को हम लोग क्या कर सकते हैं, इसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, 49 − 2 = 7 ही आएगा ना, बिल्कुल यही आएगा। अब इसको हम लोग कैसे इजीली करेंगे, तो देख लीजिए माइनस का साइन है तो माइनस ही आने वाला है, 49 के लिए क्या लिखेंगे, 7 और माइनस का साइन है तो यहाँ पर भी माइनस, 2 और बटा में कितना, ये दोनों का दोगुना, इसका दोगुना कितना हो जाएगा, 14, ये कट जाएगा कितना बार में, 7 × 14। अब ये 1/7 हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। अब 7 से जब इसमें भाग लगेंगे तो चलिए ये तो माइनस वाला है, इसीलिए 7 × 49 में से 1 जाएगा कितना होगा, 48 के बटा में कितना है, 7 है। अब 7 से इसको भाग लगाएंगे तो कितना होगा, 6 पॉइंट होगा ना, 7×6 = 42 और कितना कैरी कर रहा है, 6, फिर से 6 जाएगा तो 8, 6.8। दशमलव के बाद जैसे कि मैंने बोला था कि एक अंक को ही वैलिड किया जाता है, तो 6.8 होगा। हालांकि इसके बाद दशमलव कुछ और संख्या आ सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए एक और बड़ी संख्या उठा कर देखते हैं, तो बड़ी संख्या क्या उठाते हैं, यहाँ पे एक बड़ी संख्या उठाते हैं, जिस बड़ी संख्या का नाम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 94 को ले लेते हैं। 94 को देखिए, 94 है ना। अब 94 जो है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब ये किसके आसपास में है, देख लीजिए 81 और 99 के आसपास है कि नहीं है, 100 के आसपास है। तो हम 100 में से भी माइनस कर सकते हैं या 81 में जोड़ भी सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, 100 में से माइनस कर लेते हैं। हम इसको लिखने के लिए कैसे लिख सकते हैं, 100 − 6 आएगा, 94 आएगा ना, कन्फर्म आएगा। अब 100 के लिए चूँकि हम जानते हैं कि क्या होता है, 10 होता है और ये माइनस का साइन है तो यहाँ पर भी माइनस देंगे और 6 बटा में कितना लेंगे, इसका दुगुना, जो पहले वाला है ना इसका दुगुना, 10 × 2 का कितना होता है, 20 होता है, 2 से काटो दोनों को, 3 × 6 और 10 × 20, 10 × 100, 100 में से ये 3 जाएगा कितना, 97 और बटा में कितना है, 10 है। अब ये देख लीजिए 10 से जब इसको भाग लेंगे तो दशमलव कितना जाएगा, एक अंक के बाद जाएगा कि नहीं जाएगा, 9.7। बिल्कुल आसानी से कटा या नहीं कटा, तो ये बिल्कुल सेकंड में आप लोग कर सकते हैं। चलिए इतना समझ में नहीं आया, एक संख्या और उठाते हैं, एक संख्या और ये आखिरी संख्या होगा, उम्मीद है कि बात समझ में आ गया। अगर नहीं समझ में आया है तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, ताकि मैं आपके लिए इससे भी बेटर वीडियो और बना सकूं। ठीक है, चलिए एक और को उठा के देख लेते हैं, यहाँ पे इससे भी बढ़ा लेते हैं। किसको लेते हैं,
180 को लेते हैं, 180 को ले लीजिए, आप देख लीजिए ये भी तो क्या है, परफेक्ट बर के आसपास, परफेक्ट तो नहीं है लेकिन परफेक्ट स्क्वायर के आसपास है। 121 किसका होता है, 11 का होता है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, हम 121 में से माइनस तो कर सकते हैं ना, 121 में से माइनस कितना करेंगे कि 18 हो जाएगा, 3 करेंगे, आप देख लीजिए ये तो 11 का है, 11 माइनस का साइन है तो माइनस का साइन दे दिए, ये 3 है तो 3 दे दिए, और बट्टा में इसका दुगुना, 11 दुना का कितना होता है, 22 होता है। अब इसको क्या कर लेना, हमको भाग कर लेना है, भाग कर लेना, तो पहले तो क्या करना है, 11 गुणा 22 और माइनस का कितना करना होगा 3, और बट्टा में भाग किससे लगाएंगे, 22 से लगाएंगे, ठीक है। अब इसको जब सॉल्व करेंगे हम आगे तो कितना हो जाएगा, देख लीजिए यहाँ पे 11 दुना के 22 के लिए यहाँ पे सॉल्व करके लिख देते हैं, 11 दुना के 22 के लिए 2, 11 दुना के 22 और 2 24 होगा ना, 11 दुना के 22 के लिए 2, 11 दुना के 22 और 2 24 आ गया, और माइनस कितना करना है, 3 करना है, बट्टा में कितना है, 22 है, ठीक है। जब इसको माइनस करेंगे 42 को तो कितना हो जाएगा, 239, बट्टा में कितना होगा, 22, ठीक है। अब चलिए, अब इसको हमको क्या करना है, इससे भाग लगाना है, ठीक है, भाग लगा के लेके जाएंगे तो ये कितने बार में जाएगा, 10 point something जाएगा, 10.8, 1 दशमलव के बाद 1 अंक को मान के चलिए, इतना से ये जाएगा। उम्मीद करते हैं कि बात समझ में आया होगा, और एक छोटा संख्या भी उठा कर देख लेते हैं, 6 है, 6 को क्या करेंगे, 4 से आगे बढ़ाएंगे ना, इसको क्या लिख सकते हैं, 4+2 लिख सकते हैं, 4 के लिए क्या होता है, 2 होता है, और 2 के बट्टा में कितना होता है, 4 × 8 होता है, इसको काट दो तो कितना से कटेगा, 4 × 2 = 4, 4 बन में कटेगा, और इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 4 × 8 2.22, यही आएगा, बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सेकंड में आप लोग क्लियर कर सकते हो। अगर समझ में ना आए तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, ताकि इससे बेहतर वीडियो और आपके लिए बना सकूँ। थैंक यू, धन्यवाद।